अपने जन्म दिवस पर टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भगवान शिव का जलाभिषेक कर की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। वर्चस्व को लेकर नेताओं में जुबानी जंग जारी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्री पर कसा तंज। नगरी हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने युवक को गोली मारकर लूट की घटना को दिया अंजाम, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया। राशन डीलरों के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर उपजिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, ब्लॉक के अधिकारियों और राशन डीलरों के साथ की बैठक, अधिकारियों और राशन डीलरों को दिए गए सख्त दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर देर रात 19 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। उदयराज सिंह को अपर सचिव पेयजल की जिम्मेदारी दी गई है, अशोक कुमार पांडे को नैनीताल का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है, गिरधारी सिंह रावत को निदेशक खेल की जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है जहां पर बड़े तबादले किए गए हैं, प्रशासनिक तबादले हैं ये, जहां पर उदय सिंह राज को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल देर रात 19 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, उदय राज सिंह को अपर सचिव पेयजल की जिम्मेदारी दे दी गई, अशोक कुमार पांडे को नैनीताल का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है, गिरधारी सिंह रावत को निदेशक खेल की जिम्मेदारी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है। तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रशासनिक फेरबदल लगातार उत्तराखंड में देखा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देहरादून से जहां पर 19 पीसीएस अधिकारियों के तबादले देर रात किए गए। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गुरुवार को टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। मुख्यमंत्री सिंह धामी ने कहा है कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं, आज भगवान के शरण में आया हूँ, भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन, सीएम ने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है, भगवान शिव का जलाभिषेक किया और इसके साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में नेत्रहीन बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मनाया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था की जाएगी और 10 कंप्यूटर भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वृक्षारोपण और दृष्टिबाधित यानी कि नेत्रहीन बच्चों को मिठाइयाँ भी बांटी हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं आज बच्चों के बीच आकर अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति दो ऐसी शक्तियां हैं, इनसे हम सब कुछ पा सकते हैं। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया वो साधारण परिस्थितियों में अपनी इच्छा और संकल्प शक्ति से बुलंदियों तक पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही खास तस्वीरें आज उत्तराखंड से सामने आई और सीएम ने नेत्रहीन बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया है। बच्चों के लिए स्कूल बस की व्यवस्था की बात भी यहां की गई है। वहीं बेहद खुश यहां पर पुष्कर सिंह धामी नजर आए, वृक्षारोपण भी किया गया। देहरादून की तस्वीरें, आज पुष्कर सिंह धामी अपना जन्मदिन मना रहे हैं बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे अपने पास मुख्यमंत्री को पाकर बेहद खुश और भावुक नजर आए। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों वर्चस्व को लेकर नेताओं की जुबानी जंग चल रही है। दो दिन पहले श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जेल जाने से बचाने में मदद करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बगैर नाम लिए हरक पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से गधा लगातार आवाज़ें निकालता है। एक अन्य बयान में त्रिवेंद्र ने और ज़्यादा तीखा हमला बोला, उन्होंने कटाक्ष किया कि उनका चरित्र बिल्कुल उज्ज्वल रहा। सारी दुनिया जानती है त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत के रिश्तों में तलखी काफ़ी समय से चली आ रही है। वहीं प्रदेश के श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि ढैंचा बीज घोटाले में तत्कालीन कृषि मंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह जांच के आधार पर दोषी थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए हरक सिंह रावत का दावा है कि मानवता के नाते उन्होंने त्रिवेंद्र को जांच रिपोर्ट भी दिखाई और
मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत से क्लीन चिट भी दिलवाई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बीजेपी अंतर कलह से जूझ रही है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के विधायक और मंत्री बीजेपी में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के लिए भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। जी ने ढेंचा बीच पे फाइल मंगाई, दो इलेक्शन था, मैंने दो पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा, शाम को पत्रवाली मैंने एयरपोर्ट पे कोशारी दी, और तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर उस दिन अगर मैं हरीश रावत जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश रावत चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने 10 लाख नए लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कांग्रेस ने आज से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अभियान की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गणेश गोदियाल ने कहा है कि जो व्यक्ति कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहेगा उसी को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। हर व्यक्ति की सदस्यता का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, जिसका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है। विपक्ष की भूमिका भी लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है देहरादून में, और कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रही है। तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तैयारियों को धार देने में कांग्रेस जुटी हुई है। 10 लाख लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरी दुनिया में बहुत ही अजब गजब का है। वो ये मानते हैं कि इस नंबर पे मिस कॉल दीजिए आप सदस्य हो गए। ये सही रूप में सदस्यता अभियान, ये उसमें भी फर्जीवाड़ा है उनका। तो हमारा सदस्यता अभियान, हम पर्ची फाड़ कर और जो व्यक्ति कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहेगा उसी को कांग्रेस का सदस्य बनाएंगे। उनका पूरा डाटा उसमें होगा, पूरा जानकारी उस पर्ची में होगी। हमारे पास जो उसका एक पार्ट रहेगा उसमें पूरी जानकारी होगी और उसका एक रजिस्टर तैयार हम यहाँ पर करेंगे। साथ में हमारा लक्ष्य चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले 10 लाख सदस्यों को, नए सदस्य 10 लाख बनाना, ये हमारा मकसद है, ये हमारा लक्ष्य है। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां नैना देवी मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान यज्ञ किया गया। मां नैना देवी से मुख्यमंत्री धामी की दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की गई। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट और कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से फल और मिठाइयां भी बांटी गई हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया है। नैना देवी से सीएम के स्वस्थ रहने की कामना की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं नैनीताल से, जहां पर नैना देवी से यहां पर यज्ञ करके मांगा गया है कि पुष्कर सिंह धामी हमेशा दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें। अब तीर्थ नगरी हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिडकुल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं बदमाशों की तरफ से गोली लगने से पीड़ित युवक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक को गोली लगी वो मनी ट्रांसफर का काम करता है। घटना के बाद पुलिस और एसएचओ की टीम की तरफ से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हरिद्वार से पूरा मामला सामने आया, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने आपराधिक वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बाइक पर सवार होकर बदमाश मौके पर पहुंचते हैं और युवक पर एक के बाद एक गोली चलाकर भाग जाते हैं। लक्सर और खानपुर के अलग अलग गांव से राशन डीलरों के खिलाफ मिल रही शिकायतों को देखते हुए लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता की तरफ से लक्सर और
खानपुर ब्लॉक के अधिकारियों और राशन डीलरों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें उनकी तरफ से अधिकारियों और राशन डीलरों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि राशन वितरण को लेकर कई जगह से शिकायत मिल रही थी, जिसको देखते हुए लक्सर और खानपुर के ब्लॉक के अधिकारियों और खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलरों के साथ बैठक की गई और उनको कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मानकों के साथ राशन बांटा जाए। लक्सर से खबर सामने आई, जहां पर राशन डीलरों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि जितने भी राशन डीलर हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाए कि सही मानकों के साथ राशन का वितरण किया जाए। राशन वितरण को लेकर कई जगह से समस्या प्राप्त हो रही थी, कई जगह से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसमें अनियमितता है। इसी संबंध में आज जो दोनों ब्लॉक हैं, खानपुर और अक्सर, उनके ईडीओ और हमारे जो यहाँ पर पूर्ति अधिकारी हैं वो और राशन डीलरों के साथ यहाँ पर आज बैठक हुई, तो उनको कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि मानकों के अनुसार राशन वितरण किया जाए और साथ ही वो अपनी सभी दुकान के बाहर जितना भी उनके पास स्टॉक उपलब्ध है वो भी चस्पा कर देंगे, ताकि जो जनता है और जो ग्राहक है उनको पता रहे कितना जो राशन है वो दुकान में उपलब्ध है। और इसमें इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जो जो हमारी सप्लाई इंस्पेक्टर है वो समय समय पर सभी दुकानों की चेकिंग करेंगे, जिसमें भी अनियमितता पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारे द्वारा स्वयं भी उनके साथ में संयुक्त अभियान चलाकर सभी दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। नैनीताल में उत्तराखंड की हाई कोर्ट न्याय प्रणाली को और ज्यादा सरल सुगम बनाने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। न्याय प्रणाली में वादियों और प्रतिवादियों को जानकारी के अभाव में होने वाली दिक्कतों से बचाव के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की पहल पर न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की तरफ से फीता काट कर किया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरोवर नगरी में ई सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, मुख्य न्यायाधीश ने इसका शुभारंभ किया है। ये सुविधा आम जनता के लिए शुरू की गई है, जो हमारे वादकारी हैं जिनके मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, वो लोग आकर के अपने वादों के संबंध में जो है कब उनकी तारीख लगी है उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश गण कब अवकाश पर है उसकी सूचना मिलेगी। अगर कोई हमारी वर्चुअल कोर्ट चल रही है, ई कोर्ट चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ से इसकी भी ई सेवा केंद्र से मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो हमने भारत सरकार ने जस्टिस ऐप डेवलप किए हैं, वो ऐप डाउनलोड करने में जो है भी सहायता इस ई सेवा केंद्र से मिलेगी। और ये पहला सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय परिसर में प्रारंभ की गई है, इसके बाद जिला अल्मोड़ा में प्रारंभ की जाएगी। नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में 800 भक्त यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने हर यात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य बताया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि यात्रीगण किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे, यानी कि आप चारधाम यात्रा कर सकते हैं लेकिन किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकते। लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी और विपक्ष जो है सरकार पर निशाना भी साध रहा था। आखिरकार ये बड़ा फैसला लिया गया है। नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में 800 भक्त, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने हर यात्री के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य बताया है। चमोली हो, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ये भी कहा गया कि यात्रीगण किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे, यानी कि आप दर्शन कर सकते हैं लेकिन स्नान नहीं कर सकते। तो कोरोना के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौर तहसील में भूमि प्रतिकर मुआवजे की मांग को लेकर क्षेत्र के कई ग्राम सभा के लोग पीएमजीएसवाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांगों को समर्थन देते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने कहा है कि दूरदराज से आए धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांगों को सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो विभाग के चक्कर मार मार कर थक चुके हैं, पर आज तक किसी भी अधिकारी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो पीएमजीएसवाई के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीण, सरकार को पूरी करनी चाहिए ग्रामीणों की मांग। ऐसी तमाम मांगे जो हैं वो लगातार उठ रही हैं।
उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम मांगों को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज MGSY सिंचाई खंड चिन्याली सौर जो कि बहुत लंबे समय से लंबित मांग है शासन प्रशासन की, शासन प्रशासन से लगातार यहां के ग्रामीणों के द्वारा, काश्तकारों के द्वारा ये मांग की गई है और मैंने भी लगातार इस बारे में शासन प्रशासन को बताने का काम किया। जिला अधिकारी जी ने BTC सदन में इस बारे में हमें आश्वस्त किया कि बहुत जल्द प्रतिकर की जो ये मांग है ये पूरी हो जाएगी, लेकिन अब ये हम सभी काश्तकारों के इस मांग का दम तोड़ते हुए देख रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज सारे जो हमारे इस क्षेत्र के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और काश्तकार जो किसान भाई लोग हैं वो आज इस मांग को लेकर, प्रतिकर की मांग को लेकर अपनी आज सिंचाई खंड चिन्याली में MGSY के ऑफिस में है। चमोली में बिरही निजबुला मोटर मार्ग पर एक भीषण दुर्घटना हो गई, जिसमें JCB दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और SDRF की टीम को दी, जिसके बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। चमोली में भीषण हादसा हो गया, जहाँ पर एक JCB दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना में ऑपरेटर सहित 3 लोगों की जान चली गई है, इसमें एक महिला भी बताई जा रही है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में 3 दिवसीय नंदा अष्टमी मेला बुधवार को परंपरा और मान्यताओं के साथ संपन्न हुआ। उत्सव के आखिरी दिन 6 महीने के लिए बद्रीश पंचायत में विराजमान कुबेर जी के उत्सव विग्रह को बद्रीनाथ मंदिर में भोग लगने के बाद 12 बजे हक हकूकधारियों की तरफ से बामनी गांव लाया गया। बामनी गांव पहुंचने के बाद माँ नंदा के मंदिर में भगवान कुबेर का दूध और गंगा जल से अभिषेक किया गया। तो बद्रीनाथ में 3 दिवसीय नंदा अष्टमी का समापन हो चुका है। बद्रीश पंचायत में विराजमान कुबेर जी बामनी गांव पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पिछले 3 दिनों से नंदा अष्टमी का भव्य आयोजन मेला हो रहा है, जो कि आज गाड़ू मेले के साथ समापन हो जाएगा और कुबेर जी जो कि बद्रीशाल पंचायत में बैठते हैं वो आज बामनी गाँव में लाया जाता है और पूरे गाँव वासियों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है और गाड़ों के समापन के बाद वो फिर से बद्रीश पंचायत में चले जाएंगे। जय बद्रीशाल। उत्तरकाशी में लगातार भूस्खलन होने के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मशीन भी कठिनाई हो रही है। वर्तमान समय में मार्ग को सुचारू किए जाने का काम लगातार किया जा रहा है, वह यात्रा के लिए यात्री वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उत्तरकाशी में लगातार भूस्खलन हो रहा है, वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है। आप बता दें कि लगातार हो रही बारिश से कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पत्थर दरक रहे हैं, भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार उत्तराखंड से सामने आ रही है। ऐसे में आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जो मार्ग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या मोटर मार्ग हो या फिर आम सड़क, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जूझते हुए अपना सफर पूरा कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।